हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के देव दीपावली के अवसर पर बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर 11,000 दीपों से जगमगा उठा। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर दीप जलाया और रंगोली भी बनाई तथा मुक्तेश्वर नाथ बाबा का विधि विधान से पूजा अर्चन किया तथा मुक्तेश्वर नाथ बाबा से परिवार व देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कार्यक्रम के संचालक मनीष पटवा, अरुण कुमार श्रीवास्तव, अंजनी गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मनीष पटवा तथा हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी संतोष वर्मा ने कहा, मनीष कुमार पटवा। बाबा मुक्तेश्वरनाथ पावन धाम में 3 साल से दीपोत्सव का मौसम हो रहा है। यहाँ पे 11 दीप जलाया गया है। आज कार्तिक पूर्णिमा अवसर पर दीप जलाया गया है, जिसके रंगोली का कार्यक्रम भी रखा गया है यूके आर्ट के द्वारा। क्या उद्देश्य? कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में देव दीपावली मनाया जा रहा है। 11 दीप जला के देव दीपावली मनाया जा रहा है। संतोष वर्मा, मंडल प्रभारी हूं हिंदू यवानी में। आज देवों के देव महादेव बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज के धाम में, जो गोरखपुर के प्राचीन शिव मंदिर में से एक है, यहाँ पर देव दीपावली के अवसर पर 11,000 दीप जलाकर के पूरे क्षेत्र में एक भक्तिमय माहौल का संचार हुआ है। ये देव दीपावली गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर साल की बात ही इस साल भी 11,000 दीप जला करके और आकर्षक रंगोली बना करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये हम लोग मनता है कि बाबा मुक्तेश्वरनाथ जी महाराज का आशीर्वाद सभी जनता पर अच्छे से हो। ये तीसरा साल है